जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले एक महीने से DRDO लगातार एक के बाद एक नए वेपन सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। हमने इनमें से कई टेस्ट के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हैं, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर और ऊपर आ रहे कार्ड आइकन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक DRDO द्वारा किए गए टेस्ट को एक साथ कवर करेंगे और उन टेस्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में बताएंगे। बट उससे पहले, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के ऑप्शन को दबाकर बिल नोटिफिकेशन वाले आइकन को इनेबल कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर नंबर 1, DRDO ने अपने इन टेस्ट की शुरुआत 7 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV के टेस्ट से की थी। जैसा कि आपको पता है कि HSTDV एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मैक 12 यानी 14,800 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ती है। HSTDV के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इससे पहले सिर्फ USA, रशिया और चाइना ने ही हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया था। HSTDV के टेस्ट के बाद इंडियन आर्मी चाइना के DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाली मिसाइल को आसानी से चैलेंज कर पाएगा। इस मिसाइल पर और भी डिटेल्स के लिए आप ऊपर आ रहे कार्ड आइकन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। नंबर 2, इसके बाद 22 सितंबर 2020 को DRDO ने अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी ड्रोन का टेस्ट किया था। अभ्यास एक बहुत ही एडवांस UAV है जो किसी भी पाकिस्तानी और चाइनीज फाइटर्स के राडार सिग्नेचर की एग्जैक्ट कॉपी कर सकता है। अभ्यास UAV से इंडियन एयरफोर्स पायलट्स और एयर डिफेंस मिसाइल ऑपरेटर्स को बहुत ही रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिलेगी। अभ्यास ड्रोन पर गार्डिंग इंडिया ने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर कार्ड आइकन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। नंबर 3, इसके एक दिन बाद ही 23 सितंबर 2020 को इंडिया ने अर्जुन टैंक के बैरल से लॉन्च होने वाली लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, जिसे हम सेमी एक्टिव मिशन होमिंग यानी SAMHO मिसाइल भी कहते हैं, का टेस्ट किया। SAMHO मिसाइल की रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और इसे ना सिर्फ अर्जुन टैंक के बैरल से बल्कि इंडियन आर्मी के रशियन टैंक जैसे कि T-90 भीष्म और T-72 अजय टैंक के बैरल से भी फायर किया जा सकता है। SAMHO मिसाइल की क्वालिटीज को हमने अर्जुन टैंक के वीडियोस में डिटेल में कवर किया था। नंबर 4, इसके बाद उसी रात 23 सितंबर 2020 को ही इंडिया ने 350 किलोमीटर रेंज वाली लिक्विड फ्यूल्ड पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट टेस्ट भी किया था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पृथ्वी मिसाइल एक पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल है, जिसमें कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। पृथ्वी मिसाइल को इंडिया के तीनों सेनाओं और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी SFC में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है। नंबर 5, 30 सितंबर 2020 को DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट का टेस्ट किया। इस नए टेस्ट से ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़कर 450 किलोमीटर तक हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड वर्जन को स्पेशली पहाड़ी इलाके के लिए बनाया गया है और ये ऑलरेडी LAC पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के Sukhoi-30 MKI फाइटर से भी लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 6, इसके बाद 3 अक्टूबर 2020 को DRDO ने 1000 किलोमीटर वाली शौर्य मिसाइल का टेस्ट किया। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली शौर्य मिसाइल को हाइब्रिड मिसाइल भी कहा जाता है, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के बाद भी ये एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी में हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ती है, जिसकी वजह से इसे लोकेट करना एनिमी के लिए इम्पॉसिबल है। शौर्य मिसाइल के टेस्ट के तुरंत बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शौर्य मिसाइल को इंडियन आर्म फोर्सेज में शामिल करने की परमिशन दे दी है। शौर्य मिसाइल के बारे में और डिटेल्स के लिए आप हमारे YouTube वीडियो से और कार्ड आइकन बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। नंबर 7, 5 अक्टूबर 2020 को DRDO ने एक नए नेवल वेपन, जिसे स्मार्ट कहते हैं, टेस्ट किया था। स्मार्ट का फुल फॉर्म सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो होता है। इसमें टॉर्पीडो को एक बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर लगाया जाता है, जिससे ये 600 किलोमीटर दूर की चाइनीज सबमरीन को टारगेट कर सकती है। स्मार्ट मिसाइल इंडियन ओशन में आने वाली चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन की थ्रेट के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव होगा। आखिर में टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि DRDO ने इन सारे टेस्ट से एक साथ कई इंपॉर्टेंट डिफेंस टेक्नोलॉजीज को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। DRDO के द्वारा किए गए रुद्रम, रुस्तम 2 और आगे किए जाने वाले कई टेस्ट को हम इसी तरह मंथ में एक बार एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। आपको ये मंथली डेडिकेटेड वीडियो कैसी लगी और अपने सजेशंस कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में। जय हिंद।